नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। प्रदेश में इसका साफ असर भी नजर आने लगा है। जनता का भरोसा जीतने और जातीय व क्षेत्रीय समीकरण बनाने में भी सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। क्षेत्रीय समीकरण को सुधारने के लिए सभी दल मैदान में कूद पड़े हैं। लगातार सक्रिय चल रही सभी दलों की चुनावी रैली भी जोरों शोरों से जारी है। भाजपा, कांग्रेस, सपा सहित छोटे दल चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम भी मैदान में आ गई है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम प्राइम पब्लिक और सरकार में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसी को लेकर लगातार सियासी दलों ने अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। और इसके अलावा बीते 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड के महोबा से अर्जुन सहायक परियोजना के साथ ही अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण किया था। कहने को तो ये प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परियोजनाओं के लोकार्पण का था, लेकिन राजनीतिक पंडित मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए महोबा से अपना अभियान शुरू किया था। इसके बाद अभी 27 नवंबर को प्रियंका गांधी ने भी प्रतिज्ञा रैली कर बुंदेलखंड में और बुंदेलखंड के महोबा में खास करके कांग्रेस की ताकत का एहसास कराते हुए एक ऐतिहासिक रैली की, जिसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो रैली है उसमें पूरी भाजपा प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग करने के बावजूद भी प्रियंका गांधी की रैली पीएम मोदी की रैली पर भारी पड़ी, जैसा कि कांग्रेसियों ने दावा किया था वैसा करके भी दिखाया। और आने वाले 1 दिसंबर को अखिलेश यादव भी महोबा रैली करने आ रहे हैं, जो जानकारी आ रही है। नेताओं के अपने अपने प्रचार करने का तरीका है, राजनीतिक सियासी दलों का अपने अपने हथकंडे हैं, लेकिन आम जनता क्या सोचती है और जनता के आखिर मुद्दे क्या है और क्या लोगों को इस आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों की क्या अपेक्षाएं सरकार से, सत्ताधारी दल से या विपक्ष से, किसको लोग पसंद करते हैं, तो हम जनता से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम मावई लोकल के हैं। अच्छा, ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आए थे, बड़ी योजनाओं का लोकार्पण किया, प्रियंका गांधी भी आई थी, अखिलेश भी आ रहे हैं, क्या लगता है आपको इस बार यही लगता है कि हमको तो यही लगता है कि मोदी जी की लगता है सरकार आएगी। अच्छा, हाँ आएगी फिर से? हाँ फिर से आएगी। लोग तो कह रहे हैं, बड़ा अखिलेश यादव तो कह रहे हैं झूठ बोलते हैं, प्रियंका गांधी कह रहे हैं, आगे सब अपना अपना मन है जैसा भी जो बोले। अच्छा, लेकिन मेरा मकसद यही है कि हो सकता है कि मोदी जी की सरकार आए। अच्छा, हाँ ये तो इनका कहना है कि मोदी जी की सरकार आएगी। भैया, ये क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से आए हैं? औरैया से आए हैं। यहाँ कोई ये बताइए, क्या लगता है आपको कि इस बार क्या लगता है? अखिलेश सरकार आएगी। अच्छा, अखिलेश आएंगे इस बार। योगी जी कह रहे हैं हमने सिलेंडर दिया, शौचालय दिया, सब कुछ तो दिया है। दिया तो जिसे मिला उसे मिला, जिसे नहीं मिला है। अच्छा, महंगा तो हो गया। अच्छा, महंगा हो गया, कुछ लाभ तो मिलेगा कि या जो मिला कुछ है? हमारे साथ एक क्या नाम है बेटा? अजय पाल। कहाँ से आए हो? डाट चुंगी, यही महोबा से। ये बताओ, क्या अब की बार किसको आना चाहिए? छात्रों, योगी सरकार को आना चाहिए, सहयोगी सरकार। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम लैपटॉप देंगे और सारी सुविधाएं देने के लिए कह रहे हैं, योगी क्यों आना चाहिए? योगी से हमने कुछ काम किए, सिलेंडर महिलाओं के लिए कुछ विशेष किया है। अच्छा, गरीबों के लिए किया है। अच्छा, तो ये एक और हमारे साथ हैं भैया, क्या नाम है आपका? विष्णु जी। कहाँ से आए हैं? राठ से। अच्छा, राठ से आए हैं। ये बताइए, ये इस बार किसकी सरकार? सपा की। अच्छा, सपा की आनी चाहिए। पेपर देने आया तो वो पेपर रिजेक्ट हो गया। हम लोग यहाँ पे आए, फालतू भागते रहे, खर्चा कौन देगा? बार बार ये ऐसा होता है, इसमें बस स्टूडेंटों का ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 9000 से ज़्यादा स्टूडेंट परीक्षा के लिए आए थे, वो सभी का पेपर रद्द हो गया, जिसकी वजह से सभी को दोबारा भागना पड़ा और दोबारा पेपर देना पड़ेगा, इसलिए काफ़ी मुसीबत उठानी पड़ी हम लोगों को। योगी जी तो कह रहे हैं हमने पारदर्शिता लाई है परीक्षाओं में, भ्रष्टाचार खत्म हो गया भर्ती में, फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पेपर होते हुए भी कैंसिल हो गया अचानक। अच्छा, कैंसिल हो गया, लीक हो गया। लीक हो गया। और भी हमारे साथ कई लोग हैं, भैया क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? ये बताइए, इस बार किसकी सरकार? सरकार तो योगी जी की ही आएगी, लेकिन महोबा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की टक्कर होगी।
अच्छा कांग्रेस आएगी प्रत्याशी के अनुसार। अच्छा कांग्रेस की रैली हुई, बड़ी भव्य रैली हुई थी, ये प्रत्याशी के अनुसार इसको निर्भर है, इसको सागर सिंह जो है तो कांटे की टक्कर आएगी। अच्छा ये बताइए योगी जी क्यों आएंगे, अखिलेश क्यों नहीं आएंगे? देखिए जहाँ मैं और जातिवाद होता है वहाँ कभी जो है सरकार नहीं बन सकती। तो योगी जी पर भी तो आरोप लगा रहे हैं लोग, विपक्ष के जातिवाद ही करते हैं योगी जी। बिल्कुल जातिवाद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो है तो प्रतिभा और जो है तो ये हिंदुत्ववादी जो एजेंडे हैं हर चीज़ उनमें जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो इस वजह से सरकार आना तो उन्हीं की तय है। अच्छा विकास किया है योगी जी ने? विकास के मामले देखिए तो किए भी हैं और संतुष्ट कभी कोई किसी प्रकार से नहीं हो पाता। अच्छा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भैया क्या नाम है आपका? अरविंद। अच्छा कहाँ से आए हैं? बारी खरेला की बात। अच्छा यहाँ से नहीं, बताइए इस बार किसकी सरकार आना चाहिए? भाजपा। अच्छा आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं प्राइवेट। अच्छा प्राइवेट जॉब करते हैं। बीजेपी कह रही है हमने बहुत नौकरियाँ दी लोगों को, बहुत विकास किया। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने ज़्यादा विकास किया। नहीं बीजेपी ने किया है ऐसा। आप बताइए अखिलेश यादव अच्छा काम कर रहे हैं, अखिलेश अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी ने आपको सिलेंडर दिया, आवास दिया, शौचालय दिया, गरीबों को वो कह रहे हैं हमने बहुत बांटा है, नहीं मिला। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा मजदूर हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है? नहीं रजिस्ट्रेशन। श्रम विभाग में आपको कोई लाभ मिला है? नहीं लाभ मिला। अच्छा नहीं मिला है। आप माता जी क्या नाम है आपका? हमारा सुनीता। अच्छा ये बताइए योगी जी की अखिलेश की और कोई की प्रियंका? योगी अखिलेश प्रियंका या मायावती? अखिलेश पक्का? अखिलेश योगी जी ने भी बहुत काम किया है। अच्छा कौन सा काम करता है? अच्छा देखिए यहाँ पर हम महोबा जिला अस्पताल में खड़े हैं, यहाँ पर जो लोग आए हैं मिली जुली एक प्रतिक्रिया सबकी है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार ने अच्छा काम किया है, योगी आए, कुछ कह रहे हैं अखिलेश आए, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसी ये प्राइम टीवी का हमारा ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और आगे भी जाके लोगों से बात करते रहेंगे। लोग राय लेने पहुँचे हैं महोबा शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर, यहाँ लोगों से जानते हैं कि आखिरकार आने वाले जो चुनाव हैं वहाँ क्या पब्लिक का मूड है। दादा क्या नाम है आपका? तस्वीर। अच्छा ये बताइए इस बार किसकी सरकार आना चाहिए? अब किसकी ऊपर वाला देगा उसकी सरकार मिलेगी कोई नहीं बता। आपको कौन अच्छा लग रहा? अखिलेश अच्छे लग रहे। हाँ विकास करेंगे? हाँ बिल्कुल विकास करेंगे। अच्छा क्यों? क्योंकि भाई अमर जी की अच्छा आदमी है, उससे बढ़कर कोई और सब कुत्ते के मुंह से। अच्छा हाँ। योगी जी तो कह रहे हैं हमने बहुत कुछ सुविधा दी लोगों को। सब पहले तो यही सुविधा दी कि घर मकान बनवा दी पक्के घर। अच्छा और क्या किया? सिलेंडर दिए, शौचालय दिए, सब कुछ दिया और बाकी धुआं उड़ा दिया। सिलेंडर दिए, शौचालय दिए, आवास दिए, मजदूरी मच्छारी मारी बता रहे हैं ना, कह रहे हैं आपको मिला कुछ लाभ? हमें अच्छा नहीं मिला कोई लाभ। नहीं मिला? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा हमारे साथ ये दुकान वाले हैं, भैया क्या नाम है आपका? ये बताइए इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों? क्योंकि बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, ये रहने के लिए मकान, शौचालय भी, कोरोना काल में हम जैसे फुटपाथों को 10,000 रुपये भी दिए हैं उन्होंने, और बहुत मुझे लगता है बहुत। अच्छा आपको यहाँ जो दुकान लगाए थे तो आपको 10,000 रुपये मिले? हाँ मिले। ये बताइए अखिलेश यादव ने भी तो बहुत काम किए हैं। अखिलेश यादव ने मुझे लगता है कुछ नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा है महिलाओं को स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, फोन देंगे। जब उनकी सरकार बनेगी तभी पता चलेगा कि वो देते हैं क्या नहीं। अच्छा तो आप जा रहे हैं बीजेपी की बनेगी, आपको पता है? मुझे लगता है बीजेपी की। आप देख सकते हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सरकार। क्या नाम है भैया आपका? ये बताओ इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों? हमें बहुत कुछ लाभ मिला है। अच्छा लाभ मिला है? हाँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी झूठी बातें करती है, कुछ नहीं किया है। प्रियंका गांधी आई थी कल, वो भी कह रही थी वो तो सब जब आ जाए सरकार जब तो पता चलेगा ऐसी कुछ सही कह रहे हैं। अच्छा इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की पक्का? पक्का। आप देख सकते हैं हमारे साथ ये भैया एक सेकंड ये रिक्शा वाले खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? ये बताओ इस बार किसकी सरकार? किसकी आपको कौन अच्छा लग रहा, किसकी आना चाहिए? बोला बोला। अच्छा पक्का?
ये एक और अहमद ओ भैया, और यहाँ ये महिला बैठी है, इनसे पूछते हैं कि आखिरकार माता जी क्या नाम है, क्या नाम है आपका, ये बताओ इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए यूपी का। आप कहाँ से आई हो? अच्छा आप ये बताओ जो अभी बने बाबा जी मुख्यमंत्री वो सही है कि अखिलेश यादव बने कि प्रियंका गांधी आई थी वो कह रही थी महिलाओं को बड़ा बाधे किए उन्होंने, आपको क्या आप किसको वोट देंगे? अच्छा जो सब करेंगे वही करेंगी आप। अच्छा ये और भी है दादा, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? अच्छा ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनना चाहिए? मोदी की बनी है। मोदी की पक्का? मोदी की तो बनी है, यूपी में किसकी बनना चाहिए? अच्छा अखिलेश की बनेगी यूपी में। योगी जी ने तो बड़ी सुविधाएं दी, मुख्यमंत्री जी कह रहे योगी जी हमने लोगों को बड़ा शौचालय आवास दिया, सिलेंडर दिया, सब कुछ दिया। अच्छा ये भैया हमारे साथ हैं, ये युवा है, भैया क्या नाम है आपका, ये बताओ इस बार किसकी सरकार? आपको आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? अखिलेश। अच्छा पक्का अखिलेश? अखिलेश ने अच्छा काम किया, योगी जी ने काम नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की कुछ लोग कह रहे हैं योगी सरकार आना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव को आना चाहिए। इनसे पूछते हैं दादा से, दुकान रखे हैं यहाँ पे, दादा क्या नाम है आपका? कंदीलाल सोनी। अच्छा ये बताइए इस बार किसकी सरकार? इसकी बार उन्हीं की बंदी जो पहले चली आ रही है, उन्हीं की सरकार बनना चाहिए। योगी जी आएंगे? हाँ। अखिलेश यादव कह रहा है झूठ बोलती है भाजपा। भाई हम तो नहीं कहते। कल प्रियंका गांधी आई थी वो कह रही थी प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते हैं। उनके लिए तो समाज समझ सकती है और भी जनता गई थी उसमें पैसा। अच्छा अच्छा काम किए हैं योगी जी। तो आप देख सकते हैं कि हम महोबा शहर का ये प्राइवेट बस स्टैंड है और यहाँ तो सरकारी रोडवेज है, यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ है, कुछ महिला यहाँ भी है, इनसे भी बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद से आए हैं, अरे तो बता तो दीजिए नाम अपना, ये बताइए किस बार इस यूपी में इस बार किसकी सरकार? आप किसको पसंद करते हैं, किसको वोट देंगे? अच्छा ये बता दीजिए। मोदी के अलावा कौन है? बस नहीं है कोई, आप बता दीजिए इस बार किसकी सरकार? सब जो भी बने वो सब अपनी। किसको वोट दोगे, किसको आप पसंद करते हैं? अभी तो हमने कमल को दिया। अच्छा साथ सोचेंगे। अच्छा क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए इस बार किसकी सरकार? योगी बाबा। अच्छा पक्का? अखिलेश क्यों नहीं, प्रियंका क्यों नहीं, मायावती भी है? योगी। अभी प्रियंका गांधी आई थी महोबा बता रहे हैं कि झूठ बोलती है भाजपा, उनको लगता होगा। अच्छा अखिलेश यादव भी कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, हमने काम किया। अच्छा योगी जी ने काम किया है कुछ? वो हमें नहीं पता, बस योगी हमारा कुछ योगी। अच्छा योगी के लिए आपका पक्का? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी कुछ लोग बैठे हैं, ये लोग भैया कहाँ से आए हैं? अच्छा क्या करते हो आप? कुछ नहीं, पढ़ाई करते। क्या नाम है आपका? विजय बाबू। ये बताइए इस बार किसकी सरकार? सरकार रहेगी कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी पक्का? अच्छा वो तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं कुछ है ही नहीं, लड़ाई हमारी और बीजेपी की है, लड़ाई वाली उनकी, लेकिन जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस जीतेगी। प्रियंका गांधी आई थी महोबा, आप गए थे? अच्छा काम करेंगे, आपको विश्वास है? विश्वास इस वजह से काम तो करेंगी, लेकिन सरकार एक दूसरे की बुराई हमेशा करती है। अखिलेश यादव ने बहुत काम किए वो कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं हमने भी लोगों को बहुत सब सुविधाएं दी हैं, छात्रों के लिए परीक्षा को पारदर्शी बनाया, भर्तियों में जो भ्रष्टाचार होता था योगी जी ने कहा हमने उसको पारदर्शी बनाया। नहीं किया उन्होंने, बड़ा लॉकडाउन के अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा बस विद्यार्थियों बड़ा परेशान करते रहे और उन्होंने किया कुछ नहीं। अच्छा तो मतलब इस बार कांग्रेस? कांग्रेस पक्का? कांग्रेस पक्का। आप इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस पक्का 100%। अखिलेश क्यों नहीं? योगी जी भी तो हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं पता है क्या क्यों कह रहे हैं, हमने छात्रों को परीक्षा पारदर्शी बनाई, शौचालय दिया, आवास दिया, राशन कार्ड मुफ्त राशन दिया, सिलेंडर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन बच्चों की भी तो बर्बादी है उसमें। अच्छा हाँ लॉकडाउन ने
लगाता है। तो कोरोना था तो लॉकडाउन वो कह रहे हमने नहीं करते दिक्कत हो जाती। कुछ भी नहीं है। अच्छा नहीं पक्का? पक्का। इस बार कांग्रेस? कांग्रेस। योगी? अखिलेश? अखिलेश। पक्का? अखिलेश। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे लोगों का अपनी अपनी राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस आनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं योगी आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश आएंगे, और भी यहाँ के यात्री हैं। यहाँ भैया कहाँ से आए हैं आप? अरे भैया कांग्रेस नहीं आया, जा रहे कहूँ जा रहे हूँ। ये बताओ इस बार किस तरह का, बता दो जल्दी बता दो। चीज हूँ मैं, खुद लड़ रहा हूँ। सुना लड़ रहे? पक्का? चलो ठीक है, शुभकामनाएं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये शहर का रोडवेज बस स्टैंड है, और यहाँ पे हमने लोगों की राय जानी, लोगों से बात की। लोगों का साफ तौर पर कुछ लोगों का कहना है कि योगी सरकार आएगी, कुछ का कहना है सपा आएगी। हालांकि कुछ हमें ऐसे लोग भी मिले जिनका कहना था कि इस बार कांग्रेस आएगी, चूँकि कल 27 नवंबर को यहाँ प्रियंका गांधी की जो ऐतिहासिक रैली हुई और भारी जन सैलाब उमड़ा प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली में, उसको देखकर कांग्रेसियों में उत्साह है, और जो कांग्रेस को चाहने वाले हैं उनके मन में भी एक आस जगी है कि इस बार कांग्रेस आएगी। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक वाजपेयी, प्राइम टीवी न्यूज महोबा। जाना कि जनता का क्या मूड है और किसकी सरकार आने वाली है, लेकिन ये तो जनता का मूड है और आगे कुछ भी हो सकता है, कई बदलाव हो सकते हैं, और ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या बदलाव होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।